कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं किया गया, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होने पर मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन हमने पूर्व सीएम कमलनाथ को 10 महीने से ज्यादा का वक्त दिया, उसके बाद भी एक भी वचन पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस में हम 10 दिन के अंदर हमारी सरकार बनी तो मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं का कर्ज 2 लाख तक का हम माफ कर देंगे। 1.25 साल हो गए, उन्होंने पूछा कि आपने 2 लाख तक के कर्ज माफ कर दिए, जवाब नकारात्मक, युवाओं के सपने साकार कर दिए, जवाब नकारात्मक। मैंने कल सुना कि 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, किसका माफ कर दिया? बोले चाहे 25 लाख हो, 20 लाख हो, 10 लाख हो, 2 लाख, 2.5 लाख हो, हर खाते में हम 2 लाख माफ कर देंगे। 2 लाख तक का तो एक का भी कर्ज माफ नहीं हुआ और 10 दिन में मुख्यमंत्री को हटा दिया क्या? देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने कई बार सरकार से बात की, सफलता नहीं मिली। उन्होंने बोला मैं मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए जो वचन हमने दिया था वो पूरा नहीं हो तो मैं सड़क पे उतरूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कल उतरते हो तो अभी उतर जाओ। ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इस पे मेरे कोई अधिकार छेद की बात नहीं है, इस पे टीका टिप्पणी नहीं करता।